केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। स्वागत है आप सबका आज के मुख्य खबरों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 को आएंगी रांची देवघर एयरपोर्ट पर उतरेगा विमान। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर 2022 को रांची आएंगी। उनका विमान देवघर एयरपोर्ट पर उतरेगा, वहां से वह रांची आएंगी। रांची के मोराबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन होगा। उनके आगमन को लेकर तैयारियों जोरों पर है। राष्ट्रपति 15 नवंबर को खूंटी के उलिहातू जाएंगी, जहां भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर मोराबादी मैदान को लाइट से सजाया गया है। मैदान के आसपास के सभी पोल पर बल्ब लगाए गए हैं। मोराबादी मैदान में स्टेज बनाया गया है, लोगों के लिए शेड बनाया गया है। अतिथियों के लिए 3 शेड बनाया जा रहा, दोनों तरफ हाइलोजन बल्ब लगाए जा रहे हैं। नीचे हरी दरी बिछाई जा रही है। मैदान में होर्डिंग्स व बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिसके जरिए हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएगी। मैदान को सजाने में सैकड़ों मजदूर लगाए गए हैं। झारखंड के लोहरदगा पहुंचे मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख छत्तीसगढ़ के लिए हुए रवाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत रविवार सुबह इंडियो विमान से बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई अड्डे पर ही नाश्ता करने के बाद वह लोहरदगा के लिए रवाना हो गए। नाश्ता स्वयं सेवक के घर से आया था। हवाई अड्डे पर प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा उपस्थित थे। लोहरदगा में झारखंड के प्रांत संघ संचालक सचिदानंद लाल अग्रवाल की आवाज पर भोजन करने के बाद वह छत्तीसगढ़ के जसपुर नगर के लिए रवाना हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से लोहरदगा में चल रहे आरएसएस के प्रवासी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल सभी स्वयंसेवकों से भी उन्होंने मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से सोमवार को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। झारखंड में हुई भीषण सड़क दुर्घटना, भोली बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 3 की मौत, 30 अन्य हुए घायल, मदद के लिए इधर उधर भागे ग्रामीण। रांची में भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और 12 लोगों को गंभीर चोट आई है। घटना रांची के तपुदाना रिंग रोड के डुमरी चौक के पास की है। बस और ट्रक के आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। लगभग 38 यात्रियों के घायल होने की खबर है। बस यात्रियों को लेकर खूंटी जा रही थी। मृतकों में सेना के सेवानिवृत्त जवान कोमल भुइयां, जीतू पहान भी शामिल है। शनिवार के शाम 4 बजे बस GH1AA3781 और ट्रक OD02AV8382 के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भोली बस खादगढ़ा बस स्टैंड से खूंटी के तकरम बजा रही थी। खूंटी की ओर से ट्रक आ रहा था। बस चालक ने डुमरी चौक से तेज रफ्तार में बस को मोड़ दिया। विपरीत दिशा से आ रहा ट्रक अचानक बस के मुड़ने से ट्रक पर नियंत्रण नहीं रख सका और सीधी टक्कर हो गई। बस और ट्रक के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की हुई हत्या, अपराधियों ने बम से की उनकी हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क को किया जाम। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के प्रमुख कमलदेव गिरी की सरेशाम अपराधियों ने बम मारकर हत्या कर दी। शनिवार शाम करीब 6:30 बजे हुई दुर्घटना के बाद जहां पूरे इलाके में दहशत फैल गई, वहीं आक्रोशित लोगों ने शव को पवन चौक पर रख रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH75E को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही SSP पोड़ाहाट, SDPO कपिल चौधरी सहित कई अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम 6 बजे कमल देवगिरी अपने कुछ समर्थकों के साथ बाइक से घर से निकल भारत भवन चौक की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। आनन फानन में समर्थकों ने उन्हें इलाज के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कमल देव की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। रांची में JMM कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, हेमंत सरकार के प्रति दिखाई एकजुटता। अवैध खनन मामले में ईडी ने किया है तलब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए आज सुबह 11:30 बजे रांची स्थित ईडी दफ्तर में हाजिर होने को कहा था, लेकिन सुबह
कि सुरेंद्र गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। यूपीए विधायकों की बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह जानकारी दी। इस बीच सुरेंद्र के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने रांची में मार्च निकाला। आपको बता दें कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सोरेन को आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस बारे में देर रात को फैसला किया जाएगा। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।